जी शाम, ये देखो ठीक है, ये अपना जो शेड है ना अंदर वाला, जो पहले वाला शेड है वो समझो, ये शेड है, इस फ्रंट सारा ओपन, ये हम आगे समझो अंदर, इस साइड पे लगता है कूलर, ये इस साइड पे ठीक है, ये एक विंडो है ठीक है, ये कूलर इस साइड पे लेता है, पीछे से हवा लेता है, ये बाकी टोटल पैक है, ये सारी ये साइड वहां से वहां तक ठीक है, पूरी पैक है, और ये साइड ओपन है जो कि फ्रंट पे चिक्के लग जाती हैं, सारा कवर हो जाता है, यहाँ से हवा लेता है वो यहाँ से, और वो कॉर्नर पे टॉप के ऊपर एग्जॉस्ट है जब मैं कूलर चलाता हूँ ठीक है। अब ये दूसरी तरफ आ जाऊँ, मैं आपको दिखाऊँ, मैं दूसरा बनवा रहा हूँ, अब इस पे माशाल्लाह ये है, ये देखो ठीक है, इसकी भी सेम वही डायरेक्शन है, सेम वही उसी की तरह की डायरेक्शन ठीक है, धूप छूप का वही हिसाब है, इधर मतलब ये पिलर आ गया दरमियान में, वैसे ही जैसे वो पिलर एक आया हुआ है, दोनों तरफ मतलब इसके रीलिंग वाले दरवाजे हो जाएंगे फ्रंट पे जाली। इसका ये है कि पीछे से सारा वो कवर होगा जैसे वो वाला है, पीछे से पूरा कवर, इसके इसके पीछे मैं तीन विंडो रखवा सकता हूँ छोटी छोटी, जैसे ये रखवानी है मैंने इसके पीछे, ये चीज, ये तीन मैं इस दीवार के अंदर रखवाऊंगा पीछे उसमें लंबाई के अंदर ना तीन, ताकि बैक साइड से भी ना मुझे हवा मिले ठीक है। एक ये विंडो आ जाएगी, यहाँ पे कूलर लगेगा, और एक वो सामने गली की तरफ आ जाएगी वो वाली ठीक है, ऊपर वही छत की सीलिंग होगी, सारा हिसाब किताब। तो ये एक आइडियल शेड है ये वाला मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें एक विंडो है, मतलब उस साइड पे कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो हमसायों का है, नेबर हैं सारे, तो वहां पे फिर वो मसला बनता है। ये मेरी अपनी वो है लोकेशन, एक आइडियल परफेक्ट शेड है ठीक है, यहाँ पे रख के इस साइड से कूलर लगेगा ठीक है, ये एक जाली लग जाएगी इसमें बस सिंपल सी ठीक है, सर्दियों में ये कवर हो जाया करेगी, फ्रंट से सारा वही चिक्के डाल के ओपन, गली की तरफ एक विंडो हो जाएगी बस, यहाँ से कूलर फेंकेगा वहां से निकल जाएगी हवा।